में बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार दो लोगों को गोली मारकर हत्या की। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। आए दिन हत्या, लूटपाट जैसे संगीन आपराधिक घटनाएं होने से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के कसेरा धर्मकांटा के समीप का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार लोगों को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें कार सवार दो लोगों को गोली मारकर बाइक सवार अपराधी भाग निकले। वहीं गोली की आवाज सुनते ही लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल लोगों को इलाज के लिए NMCH अस्पताल ले गई, जहां दोनों घायल लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतकों की पहचान अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू और सुनील कुमार के रूप में की है। बताया जाता है कि मस्तू और सुनील परिवार के साथ दिल्ली जाने के लिए घर से जंक्शन के लिए निकले थे, तभी रास्ते में ही बाइक सवार अपराधियों ने उनकी कार को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें मस्तू और सुनील को गोली लग गई, जहां NMCH अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। वही घटना स्थल पर पटना SSP उपेंद्र शर्मा, सिटी SP जितेंद्र कुमार और बाईपास थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। रेडी हो जाओ, हम बोले इतना जल्दी क्यों जाना है, बहन को छोड़ना तो 7 बजे भी जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, मस्तू को स्टेशन छोड़ना है। तो हम बोले अच्छा, और हम मस्तू के लिए हमेशा इनको समझाते थे कि तुम मस्तू के चक्कर में मत रहो, वो मेरे घर के सामने कम्युनिटी हॉल बना रहा है, जब रहे फ़ोन करे सुनील आओ सुनील आओ। हम बोलते भी थे कि ये क्या तमाशा है, हॉल वो बना रहा है, तुम्हारे गांव में क्यों बास करता है ये बार बार। हम बोले थे कि नहीं, मस्तू के साथ रहो ज़्यादा, मेरा बात नहीं सुनते थे। बहुत अच्छा आदमी, सबके लिए अच्छा करना, मेरे हमसे हर चीज़ में टेंशन इस बात को लेके होता था कि तुम क्यों सबका भला करते हो, इतना दुनिया नहीं है भला का। सामान वान गाड़ी में रख दिए, फिर हम लोग आगे बढ़े मस्तू के घर के पास में, मस्तू को बैठाए गली में कहीं पे, फिर आगे बाईपास से जा रहे थे तो बाईपास जाम था। जाम में एक आदमी आया, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मस्तू आगे बैठा था, और हम, मेरी ननद, मेरा बच्चा, ननद की बच्ची, हम लोग चारों पीछे थे। आकर के मस्तू, वो आदमी आके पहले मस्तू को मारा, पहले तो एक बहुत जोर का से भ्रम से हुआ, तो समझ में नहीं आया कि ये हो के हुआ क्या, गाड़ी में मेरे क्या पटाखा जैसा उठा, मारा तब लगा कि गोली चल रहा है। हम अपने हस्बैंड को बचाए कि हम अपने आप को, कि मेरी बेटी को, हम लोग झुके अपने हस्बैंड को, हम देखे कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर ऐसे गए। समझ में नहीं आया मेरा पति कहाँ है, मार के चला गया वो। उसके बाद में मेरा कितने संख्या कितना संख्या में था, लोग एक ही था वो जो आया था मारने। कितने राउंड गोली चलाया लगभग? वो उसको तो बहुत मारा, मेरे पति को भी मारा, हम समझ नहीं पाए क्यों गोली चल रहा था। मेरा हस्बैंड आके ऐसे करके पूरा रोड पे ऐसे लेट गए, सीट बेल्ट के साथ पूरा ऐसे झुक गए लेट गए। उसके बाद में सबका दरवाजा खटखटाते रह गए, सबको विनती किए, कोई नहीं। कहाँ पर हुआ, कहाँ पर? बाईपास में, ये कुम्हरार नई पहाड़ी पर, कुम्हरार मोड़ के पहले ही। अच्छा। एक हॉस्पिटल के 5 मिनट पहले वही। हाँ, कोई नहीं निकला, दरवाजा खटखटाया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।